हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो हमारी पहली न्यूज़ आ रही है सोल ब्लेजी की तरफ से। तो सोल ऑफिशियल ई स्पोर्ट ने अनाउंस कर दिया है कि सोल ब्लेजी अब सोल में आ चुके हैं। तो हमारी दूसरी भी न्यूज़ आ रही है सोल ब्लेजी को लेकर के। तो मोटल ने सोल ब्लेजी के बारे में बात करते हुए कुछ ये कहा। माइक ऑफ है, अरे वो इन गेम ऑफ है। हम लोग डिस्कॉर्ड पे गाइस, डिस्कॉर्ड पे योलो रोलो। देखो ऐसा है कि ब्लेजी पढ़ाई करता है, उसका 12th स्टैंडर्ड है एंड ही हैज टू फोकस ऑन स्टडीज अलॉट। तो यस हम लोग उसको बिल्कुल भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करते। क्रिम्स का बेचारा महीने से टाइम निकाल के एग्जैक्टली आता है। क्रिम्स में ही वो टाइम निकाल के आ रहा है। सो वी वांट हिम टू स्टडी एंड उसका अभी 12th स्टैंडर्ड है, सॉरी। तो बेटर रहेगा कि वो अभी फोकस करे। गेमिंग और हाउस अभी नहीं आएगा गाइस, ब्लेजी अभी फिलहाल के लिए ही स्टडिंग। साइंस लिया है भाई ने, पीसीएम 12th बोर्ड बोर्ड एग्जाम्स है उसके। ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम स्टडिंग, मोस्ट ऑफ हिज टाइम एज इन दिन में और रात में पढ़ाई करता है वो। इस वक्त एज इन सिर्फ क्लास कस्टम्स के वक्त आता है। और साथ ही में वाइपर ने भी बात की सोल ब्लेजी के बारे में, वो भी आप देख सकते हो। शुरुआत से यही था हमेशा से, इसी सोल नहीं बताना, काम एक ही कर बंदा रहे था थे गाइस। प्रायर। एक ही बंदा था हमेशा से, इसके अलावा कोई नहीं था। तुम्हारा काचा गया गाइस, सॉरी फॉर दैट। पर तुम समझो हम ये लोग सब जस्ट बिकॉज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्लीजी कि मतलब उसको बेवजह यस का ये ना मिले, क्रिटिसिज्म ना फेस करना पड़े। बिकॉज जनरली ये होता है कि जो नया बंदा होता है वो इजी टारगेट बन जाता है। अच्छा खेलने पे तो अच्छा होता ही है, पर बुरा गलती से अगर कुछ हो जाता है तो वो फिर पूरा बकरा बन जाता है। तो हमारी एक अगली न्यूज़ आ रही है सोल मोटल को लेकर के। तो सोल मोटल कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, वहाँ उनकी चैट में हेटर्स रेगल टोस ने सोल लीक कर दिया, ऐसा स्पैम कर रहे थे। उसी पे रिएक्ट करते हुए मोटल ने कुछ ये कहा। बैठो बैठो, बूम बाम कराता हूँ। माय गॉड, जो मर गए 9 वर्षों का भी बता रहा हूँ। Scammers next level, Rega playing with scout people spam like Rega left soul, scout steal and of Lufram's goal है इन सब की तुम हाँ की आरती उतारो भाई, कोई उपाय नहीं है भाई। They are not, मतलब ये लोग अलग ही लोग होते हैं भाई। क्या क्या चलता है दिमाग में यार जो लोग ऐसा ये बोलते हैं। चलता नहीं है, मजे लेने होते हैं और कुछ नहीं, मसाला। इतना तो मजा आता है सब साथ में रहते हैं जब। तो हमारी अगली न्यूज आ रही है जोनाथन को लेकर के। तो जोनाथन कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, वहाँ उन्हें उनके हाईएस्ट वॉचिंग 125K तक पहुँच गई थी, वो आप देख सकते हो। लेट्स गो, आइए, लेट्स गो गाइस, 120K वॉचिंग, कैन वी हिट 100K लाइक्स गाइस, एक साथ सबके सब टोक दो। ओ भाई, एक साथ भाई मारो 123K। आई ये हाई वॉचिंग, लेट्स गो भाई, स्वाद आ गया भाई, लेट्स गो भाई, आज तो अलग ही मजे भाई मारो। रुक जाओ, मेंबर ओनली हटा देता हूँ गाइस अभी, ठीक है ठीक है, अभी फुल बूम बम करते गाइस। कैन वी हिट 100K लाइक्स, इसी बात पे ठोक दो, हो जाना चाहिए अभी अपने 100K, फटाफट लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो सबके सब। 128K, ओ भाई मारो, धक धक बोलते हाँ ये भाई। गाइस मेंबर्स ओनली हट चुका है अभी आपने चैट को, वेलकम, हेलो गाइस, हेलो गाइस। गाइस क्या कर रहे हो अभी, लाइक ठोको तुम लोग, 100K हो जाना चाहिए अपने लाइक्स, फटाफट एक साथ सबके सब ठोको, एक साथ एक साथ। तो हमारी अगली न्यूज आ रही है क्रॉन्टन को लेकर के। तो क्रॉन्टन ने बताया कि नोवा स्पोर्ट ने SQFs को खरीद लिया है, वो आप देख सकते हो। तो नोवा स्पोर्ट्स है, उन्होंने XQF पूरा XQF का लाइनअप अमेरिका का भी और चाइना का भी, उन्होंने पार्टनरशिप नहीं वो पूरा खरीद लिया है। मतलब तुम समझ सकते हो कि अब आगे XQF नहीं रहेगा, ओनली नोवा रहेगा, नोवा स्पोर्ट्स के अंडर आएगा पैराबॉय वगैरह सब। कोचिंग की में हम सबसे पहली बात तो ड्रॉप करेंगे, यस बिल्कुल करेंगे।
फर्स्ट डे हम करेंगे ड्रॉप, एंड दूसरी बात देखते हैं, अगर फर्स्ट डे सही रहा तो देखते हैं। बहुत खतरनाक सवाल पूछा था। और रही बात XQF की, सो XQF परमानेंटली ज्वाइन कर रहा है नोवा ईस्पोर्ट्स, सो उसके बाद XQF नहीं रहेगा। और बिल्कुल गाइस, XQF की जो टीम है पैरोबाय वगैरह और अपनी गॉडलाइक की जो टीम है, आने वाले डेज में आपको बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेगी, चाहे वो गेम को लेकर है या फिर हम एक साथ खेलते हुए दिखेंगे आपको, प्रैक्टिस करते हुए हम सेम बूट कैंप में दिख सकते हैं आपको, या फिर हमारा कुछ गेमिंग हाउस हो सकता है। फ्यूचर प्लान्स, बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं। सो अभी तो मैं वो रिवील नहीं करना चाहता, बट इतना मैं कह सकता हूँ कि अब जो गेम प्ले में चेंजेस आने वाला है गॉडलाइक के जो प्लेयर्स है, जो गॉडलाइक की टीम है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। बिकॉज ऑफ जो अभी कोचिंग सिस्टम भी है वो हमारा सबका सेम रहेगा, XQF का भी सेम रहेगा, गॉडलाइक का भी सेम रहेगा। तो हमारी अगली न्यूज़ आ रही है हर्ष बेनीवाल स्काउट की तरफ से। तो स्काउट और हर्ष बेनीवाल कल स्पेसिफाई गेम खेल रहे थे, वहाँ उनका स्केरी मूवमेंट आप देख सकते हो। लंबा कर दो यार, प्लीज लंबा कर दो, रियल लाइफ में भी छोटी हाइट है, यहाँ भी छोटा हो गया भाई। माता आ जाओ साथ में, साथ में वही। एक सेकंड, कहाँ आवाज आई है, आवाज आई है, कहाँ है भाई, कहाँ है गुड़िया, कहाँ है, टॉप पे तेरी माँ की चूत। पकड़ लिया। क्या आ जाऊं अब मैं, क्या आ जाऊं, स्काउट भाई मेरी मार लिया इसने। तो हमारी लास्ट न्यूज़ आ रही है कैरी मिनाटी की तरफ से। तो कैरी मिनाटी ने अपना न्यू वीडियो द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स अपलोड कर दिया है, वो आप जाके देख सकते हो। तो गाइस, जिसने भी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड न्यूज़ मैं लाते रहता हूँ। मिलते एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।